मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने सोचा चलो कुछ वक्त अपने लिए अपने तरीके से गुजारूं, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने कभी सोरडा डैम या सोरडा घाई, आप ये कह सकते हैं, इसके बारे में सुना था। सोचा चलो आज एक्सप्लोर किया जाए। ये जगह बरमपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कभी सोच रहे हैं कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जिसमें लॉन्ग ड्राइव भी हो जाए, साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी राहत भरे पल बिता पाए, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैं प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे कुछ लोगों के लिए सुकून भरी जगह मुहैया कराने के लिए वो भी एक बेहतरीन तरीके से। जब भी आप ऐसी जगहों पे आते हैं, यहाँ पर खुशनुमा चेहरे देखकर आपके सारे गम चुटकी में छुमंतर हो जाते हैं, सारी थकान गायब सी हो जाती है और अपने आप को आप तरोताजा पाते हैं और तैयार हो जाते हैं दुनिया की कभी ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद से लड़ने के लिए। आम भाषा में आप ये कह सकते हैं कि आपकी बैटरी 100% रिचार्ज हो जाती है ना? फिलहाल मेरा तो ये दिल चाह रहा है कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा चुप सा हो जाऊं और नज़ारों को जी भर कर देख लूं, संभालूं इन यादों को अपने दिल की गहराइयों में। पता नहीं फिर कब नसीब होगा ऐसा मंजर। जब आप इस जगह पर आएंगे, थोड़ी ही दूरी की ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर मंदिर है और एक बहुत बड़ा टावर। वहां से नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। कितनी सुंदर है और कितनी प्यारी है हमारी वंदे उत्कड़ो जननी। बस थोड़ी सी पहचान की ज़रूरत है और थोड़ी सी कोशिश की हम हमारी धरोहर को और लोगों तक पहुंचा पाए। यकीन मानिए वो दिन भी दूर नहीं, फिर से लौट आएंगे हमारे गौरवमय अतीत के वो सुनहरे दिन। जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सोरडा टाउन के दर्शन करते फिर जाएं। मैंने एक वीडियो सोरडा पे भी बनाया हुआ है, अगर आपके पास वक्त हो तो उसे अवश्य देखें। मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी रोज किसी मोड़ पर। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। अलविदा दोस्तों।